FBI अकाउंट पे रिपोर्ट कैसे करें, किसी के भी FBI अकाउंट पे रिपोर्ट करें, अनलिमिटेड रिपोर्ट करें जब तक अकाउंट डिलीट ना हो जाए। तो गाइस एकदम रिपोर्ट करते जाए जब तक अकाउंट डिलीट ना हो। किसी के भी FBI अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, किसी का भी FBI अकाउंट डिलीट कर सकते हैं आप लोग। रिपोर्ट करते जाइए, रिपोर्ट करते जाए। और टर्मक्स कैसे होगा यह सब मैं ट्यूटोरियल बताऊंगा। यह सिर्फ एजुकेशन के लिए है भैया, अगर आप गलत इस्तेमाल करते तो इस चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसका जिम्मेदार आप होंगे। और पूरा कमांड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पूरा कमांड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए, एकदम फुल होगा, सक्सेस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो काम नहीं करेगा। और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, पूरा फुल देखिएगा। कमांड में कमांड देने के बाद आपको क्या करना है आगे का स्टेप मैं बताता हूँ, कमांड देख लीजिए। गाइस सबसे ज़रूरी बात, इसे खोलने के लिए मोबाइल का हॉटस्पॉट और नेट दोनों ऑन होना चाहिए। इसे चालू से करने के लिए मोबाइल का हॉटस्पॉट और नेट दोनों ऑन होना चाहिए, तभी ये रूट करेगा, ऑन रूट नहीं करेगा। तो गाइस देख सकते हैं रिपोर्ट करने के लिए खुल चुका है। अब हमें क्या करना है, FBI अकाउंट में जाना है, जिसका भी रिपोर्ट करना है उसका अकाउंट का FBI अकाउंट का लिंक लेना है। आगे प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ, आप उससे में ऐसे ही करिएगा। तो गाइस चलिए चलते हम अपने FBI अकाउंट में। तो गाइस मैं फेसबुक अपना खोल लेता हूँ। फेसबुक खोलने के बाद गाइस किसी का भी FBI अकाउंट सर्च कर लीजिए, मैं अपना पुराना वाला FBI अकाउंट सर्च करता हूँ। देख सकते हैं आकाश गुप्ता, ये मेरा पुराना FBI अकाउंट है और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं पीपल में आएंगे, ये मेरा पुराना FBI अकाउंट है, इसे मैं डिलीट करना हूँ। तो इसका प्रोफाइल खोलेंगे हम, देख सकते हैं यही मेरा पुराना FBI अकाउंट है, इसका प्रोफाइल खोलेंगे। ये थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे हम लोग। थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी जो करने के आ रहा है नीचे कॉपी ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम। गाइस मैं पूरे लिंक से मतलब मैं जो नंबर दिया उसी से मतलब है, तो कॉपी लिंक करेंगे और कहीं पर भी एडिट कर सकते हैं आप लोग। तो हम गूगल पे आएंगे, गूगल पे गाइस जाने के बाद गूगल पे अपना कॉपी लिंक जो है पेस्ट करेंगे और आगे का पूरा हटा देंगे, सिर्फ नंबर रहने देंगे। सिर्फ नंबर से हमें काम है, आगे का लिंक से काम नहीं है। गाइस इस नंबर को हम कॉपी करेंगे, देख सकते हैं नंबर, इस नंबर को आप लोग भी कॉपी करिएगा। और कॉपी करने के बाद फिर टर्मेक्स में अपने आइएगा। टर्मेक्स में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, पेस्ट करने के बाद आप इंटर दबा दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप शांत बैठे रहिए। किसी भी FBI अकाउंट को परमानेंट डिलीट करने के लिए कम से कम 150 रिपोर्ट होना ज़रूरी है। तो 150 रिपोर्ट गाइड देख सकते हैं, मैं 150 रिपोर्ट करके नहीं करूँगा, मैं 10 ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं रिपोर्ट करूँगा। आप लोगों को करना टाइम लगेगा, 150 बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं 10 रिपोर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग जिसका डिलीट करना चाहिए 150 करिए, 150 से कम नहीं होना चाहिए, 150 से जितना ऊपर हो उतना अच्छा है, 150 से कम नहीं होना चाहिए। गाइस देख सकते हैं रिपोर्ट होना शुरू हो रहा है, वेट करिएगा, घबराइएगा मत। प्रोसेस अगर प्रोसेस यहाँ तक कर लेते हैं तो आप वेट करिएगा, रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं गाइस रिपोर्ट हो रहा है, अभी तक एक भी सक्सेस नहीं हुआ है।
तो गाइस देखिए रिपोर्ट कैसे हो रहा है। तो गाइस मैं 10 रिपोर्ट करके दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं करूंगा। आप लोगों को जितना करना हो उतना करें, लेकिन मिनिमम 150 रिपोर्ट करना होगा। किसी भी एफ अकाउंट को डिलीट करने के लिए मिनिमम 150 रिपोर्ट, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और 150 रिपोर्ट करने के बाद गाइस तुरंत एफ अकाउंट बैन नहीं होगा, यानी कि परमानेंट डिलीट नहीं होगा। उसके लिए 24 घंटा का टाइम चाहिए, 24 घंटा बाद देखेंगे तो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो गाइस मैं सिर्फ 10 करके दिखाऊंगा, देख सकते हैं गाइस 2 सक्सेस हो चुका है मेरा, मैं 10 करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अब 10 होने वाला ही है। तो गाइस देखिए मैंने 10 रिपोर्ट सक्सेस, देखिए साइड गाइड ये साइड में दिखाई दे रहा है सक्सेस। तो गाइस आप अपने रूप से करिएगा, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो था, बाकी जो करेंगे आप लोग करेंगे, इस चैनल की कोई जानकारी नहीं होगी। आप लोग गलत करेंगे तो, और एजुकेशन पर्पस के लिए करेंगे तो कोई बात नहीं।